संसद की वाणी चल रही थी, पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि राम की सीता चुराई गई, कृष्ण को द्वापर में दिखाई दिया है, राम को त्रेता में डाल दिया है, ये सब दंत कथाएं हैं। हनुमान के लिए कहते हैं पवन से पैदा हुआ, कितनी नॉनसेंस बातें हैं। कोई पवन से पैदा होता है क्या? पवन माना क्या? हवा। हवा की औलाद हनुमान। हवा किसे कहते हैं? कोई आत्मा प्रवेश होती है तो क्या कहते हैं? हवा प्रवेश होगा। हवा विहार का असर है, कोई सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा होगी है? और उससे जो साकार रूप बनता है उसको नाम दे दिया पवन हनुमान, पवन सूत। नॉनसेंस बातें, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ये भी ड्रामा में नूद है, फिर भी यही बनेंगे। अभी तुमको समझाया रंग क्या है और राइट क्या है। बाप तो सब बातें सिद्ध करके बताते हैं, ये सब रंग बातें। तुमने जो कुछ भी सुना कि राम की सीता चुराई गई, कहां से चुराई गई? राम को तो त्रेता में दिखाते हैं, अब त्रेता में रावण कहां से आ गया? तो कहां की बात होगी? जो सीता को ले गया वो त्रेता में रावण कहां से आया? फिर कहते हैं बंदरों ने पुल बांधा, पत्थरों का पुल बांधा। अब पत्थरों की बात होगी क्या? पत्थर बुद्धि कोई आत्माएं होंगी जो एक के पीछे एक लगाई गई और उनका पुल बांध दिया गया। देखो क्या बातें बनाई है। कहते हैं बंदरों की सेना है। अब बंदर पत्थर कैसे उठावेंगे? अच्छा राम की तो बंदरों की सेना थी, फिर वहां रावण कहां से आया? अभी बाप राइट बात बता रहे, रावण की सेना कहां है? ये सारी दुनिया में रावण की सेना है। और जो बंदर होते हैं वो लड़ाई किसके साथ करते हैं? बंदरों की लड़ाई किससे होती है? बंदरों की लड़ाई तो बंदरों से ही होती है। इसका मतलब जो बंदर संप्रदाय थे वापस कहाँ? एडवांस पार्टी में या बेसिक पार्टी में? एडवांस पार्टी में। वो बंदर संप्रदाय में ही अलग अलग धर्मों की आत्माएं थी। भांति भांति के जात बंदर होते हैं ना, एक जाति के बंदर होते हैं, अनेक जाति के बंदर होते हैं, अनेक जाति के बंदर होते हैं। तो भांति भांति के धर्मों से कनेक्टेड बंदर संप्रदाय की आत्माएं आपस में ही लड़ाई कर पड़ती है। बाप समझाते हैं ये अभी सारा ही रावण राज्य, ये पतित राज्य है, बंदरों की दुनिया है, बंदरों को कितना पतित दिखाते हैं। आधा कल्प से ये राज्य शुरू होता है और रावण को दस्यन दिखा दिए। बाप समझाते हैं ये पांच विकार स्त्री के और पांच विकार पुरुष के हैं। दस्यन जो रावण के दिखाए हैं वो माया रूपी रावण के पांच विकार, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी कोई तो होंगे 100% नंबर वार तो होते ही है।
इसी तरीके से स्त्री के पांच विकार, स्त्री को किस रूप में दिखाया है? प्रकृति के पांच तत्वों के रूप में स्त्री को दिखाया है, पुरुष के पांच विकारों के रूप में रावण को दिखाया है। स्त्री के पांच रूप कौन से? पांच तत्व, पंच महाभूत और विष्णु को चार भुजाएं दिखाते हैं। विष्णु को भुजाएं दिखाई, रावण को सिर दिखाई। क्यों? रावण अनेक मते चलाता है और विष्णु अनेक भुजाओं से सहयोग देता है। रावण मतभेद पैदा कर देता है और विष्णु मतभेद पैदा नहीं करता है। क्या करता है? सहयोग देता है, अनेक भुजाओं से, अनेक सहयोगी साथियों से सहयोग देता है। सहयोग कौन देगा? पवित्र देगा या अपवित्र देगा? पवित्र सहयोग देगा और अपवित्र वो विघ्न पैदा करेगा। इम्प्योरिटी जहाँ होती है वहाँ सहयोग नहीं होता, जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ सहयोग होता है। 11 फरवरी 1967 की ऐसे कोई मनुष्य नहीं होते जो 10 सिरों वाले हो, चार भुजाओं वाले हो। ये तो सिर्फ रूपक बनाया है कवियों ने, क्या चित्रकार होते हैं, कलाकार होते हैं, ये उनके रूपक हैं। ये उन्होंने रूप बनाया है समझाने के लिए कि कोई चार आत्माएं हैं भुजा रूपी, जो आपस में संस्कार मिला करके प्योरिटी से यूनिटी बना करके भगवान की विशेष सहयोगी बन जाती। तो ये प्रवृत्ति मार्ग दिखाया, ये एम ऑब्जेक्ट है तुम बच्चों की, क्या नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं हो पाता है, फेल हो जाते हैं, तो राम सीता बनना, ये तुम्हारा लक्ष्य है विष्णु द्वारा पालना। तो राम का जो जन्म दिखाते हैं वो भी विष्णु का अवतार दिखाते हैं, और कृष्ण का जन्म दिखाते हैं उनको भी विष्णु का अवतार दिखाते हैं। बाकी विष्णु अलग से कोई चीज नहीं होता नहीं, विष्णुपुरु को कृष्णपुरु भी कहते हैं। कृष्ण को तो दो भुजाएं ही दिखावेंगे ना, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। बाप हर एक बात समझाते हैं, ये सभी है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान आया, तुम्हारी एम आप जाती है नर से नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त कराने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं, क्यों? शिव का नाम शिव ही है, रुद्र भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्यों? शिव तो बिंदी का नाम है, बिंदी को रुद्र कहेंगे क्या? बिंदी को रुद्र नहीं कहेंगे, वो बिंदी जब रौद्र रूप धारण करती है किसी शरीर के द्वारा तो उसको नाम दिया जाता है रुद्र। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, रुद्र ने इस ज्ञान को रचा। कब रचा? संगम युग में भी कब रचा है? यज्ञ के आदि में ही रचा, माना यज्ञ के आदि से ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रकट हुई, रौद्र रूप धारण कर लिया। अब बाप पूछते हैं, ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है वा शिव का है? अरे जिसने ज्ञान का बीज डाला होगा तो वो ही बाप घर का कहा जाएगा। ऐसे तो नहीं है कि बीजारोपण कोई और करे और खेती कोई और काट ले, जो बीज बोएगा सो काटेगा। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, यज्ञ के आदि से ही शिव बाप का है।
शिव बाप ही रौद्र रूप धारण करता है, लेकिन इसके लिए ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाप पूछते हो ये यज्ञ किसका है? शिव बाप का, रुद्र का है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं है। उन्होंने तो समझ लिया गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्म है। गीता का भगवान साकार रूप में किसको समझते हैं? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा को समझते हैं, कृष्ण की सोल को समझते हैं। लेकिन अब तुम्हारी बुद्धि में बैठ गए है कि यज्ञ के आज से ही ये ज्ञान यज्ञ की अथॉरिटी शिव बाबा है, कोई दूसरा मनुष्य मात्र वो नहीं हो सकता। यज्ञ के आदि में तन किसका था जिसने ज्ञान का बीज रोपण बोया? तो जिसने शुरुआत, जिसने आदि की, वो अंत करेगा। बाकी तो मुकर्रर रथ नहीं कही जाएगी। मुकर्रर रथ वो जो आदि भी करे और अंत भी करे। तो शिव परमात्मा ही कहते हैं ये शंकर देवता है, शंकर भी कोई भगवान नहीं है। इन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया। इन्होंने भक्ति मार्ग वालों ने क्यों इकट्ठा कर दिया? क्योंकि जो भी देवताएं हैं, उन देवताओं ने बाप समान स्थिति स्टेज को कोई ने नहीं पाया। पहले किसने पाया? जिसने बाप समान स्टेज निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाई, उसी का नाम शिव के साथ मिलाई है। और कोई देवता का नाम शिव के साथ मिलाती नहीं है। विष्णु को भी नहीं मिलाते, ब्रह्मा को भी नहीं मिलाते। ऐसे नहीं कहते शिव विष्णु शिव ब्रह्मा, क्या कहते हैं? शिव शंकर कहते हैं। तो नाम मिला करके एक कर दिया, उसका कारण क्या हुआ? काम करके दिखाया। नाम का आधार क्या है? काम। जिसने काम करके दिखाया उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया। एनसंस कंपनी बनाते हैं ना, तो बच्चे का नाम बाप के साथ जोड़ा जाता है। तो इन्होंने शिव शंकर को मिला करके इकट्ठा कर दिया है। अभी बाप कहते हैं दोनों आत्माएं इकट्ठी कैसे हो जाएंगी? कैसे होंगी इकट्ठी? आत्मा कोई में कोई सोल प्रवेश करती है तो दोनों एक ही पर्सनालिटी में इकट्ठे हो जाते हैं। तो कहेंगे इसमें ये सोल आई, लेकिन दोनों मिलकर के इकट्ठे तो नहीं होते। नहीं। दोनों के संस्कार स्वभाव तो अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो शिव आकर के लक्ष्य देते हैं तुम्हें बाप समान स्टेज को धारण करना है। तो बाप तो है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो बच्चों को भी निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी पहले बनना पड़े। जो होते स्वर्ग जो पहले करे सो अर्जुन। तो देखो अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया। बाप कहते हमने इसमें प्रवेश किया। क्या बाप कहते हैं? हमने इसमें प्रवेश किया। हमने माने दो हुए या एक हुआ? दो हुए। कौन कौन दो? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। हमने इसमें प्रवेश किया है। तो तुम कहते हो बाप दादा, तुम्हारा कहना है कि ये बाप है ये दादा है। कब कहते हो? दूसरा जन्म जब तुम लेते हो, तुम किसको कहा? प्रजापिता को। तुम जब दूसरा जन्म लेते हो तो तुम बाप कहते हो शिव को और दादा कहते हो ब्रह्मा को। तुम कहते हो, लेकिन ऐसा है नहीं कि बाप कौन है दादा कौन है
बाप शिव है और दादा ब्रह्मा है, ऐसा नहीं है। कौन है बाप दादा? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा जिसमें शिव प्रवेश करता है वो है बाप, और श्री कृष्ण और कृष्ण वाली सोल वो है दादा। वो फिर कहते हैं शिव शंकर। तुम कहते हो बाप दादा और वो कहते हैं शिव शंकर। शंकर शिव नहीं कहते हैं, शंकर शिव क्यों नहीं कहते? जैसे तुम दादा बाप नहीं कहते हो, दादा को पहले नहीं रखते, शिव को पहले रखते हो। जो बड़ा है उसका नाम पहले, छोटे का नाम बाद। ऐसे ही शिव है बाप, शिव सबका बाप, प्रजापिता का भी बाप है। तो शंकर शिव नहीं कहते, शिव शंकर कहते हैं। तुम कहते हो बाप दादा, तो शिव परमात्मा हो गए वो देवता। क्या? शिव परमात्मा हो गए और वो देवता कौन? शंकर देवता। शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। क्यों? सागर तो कभी फूटता ही नहीं, और शंकर तो कलयुग के अंत में आकर के फूट जाता है। तो बोला क्योंकि शंकर को भी तो मनुष्य से देवता बनना होता है। मनुष्य ऐसी करनी करे तो क्या बने? नारायण बने। तो वो करनी कौन सिखाता है? शिव की सोल आकर के करनी करना सिखाती है। तो वो भी तो बनने वाला हुआ ना, मनुष्य से देवता बनने वाला हुआ, बनाने वाला तो नहीं, नहीं हुआ। मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर ज्ञान सागर बनता है, सदैव होता नहीं है। बनता है या सदैव होता है? नहीं बनता है। ज्ञान है तो शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, ना ब्रह्मा विष्णु को कहेंगे। ब्रह्मा भी ज्ञान का सागर नहीं है, विष्णु भी ज्ञान का सागर नहीं। वास्तव में ज्ञान का सागर एक शिव है, एक शिव बाबा है। माना शिव की सोल जब साकार तन में प्रवेश करती है तो वो है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर तो एक ही है जिसमें सब नदियां जाकर के समा जाती है अंत में, चाहे गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, सरस्वती नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा नदी हो, दुनिया की कोई भी नदी हो, कहाँ जाके समा जाती है? सागर में समा जाती है। तो अंत में ये जितनी भी चैतन्य नदियां हैं, जिनकी अभी अभी अलग अलग मतें दिखाई पड़ती हैं, कोई किससे मिक्स हुई पड़ी है, कोई किससे मिक्स हुई पड़ी है, अंत में ये कहाँ जाके समा जाएंगे? सागर में समा जाएंगे। एक ही ज्ञान सागर में समा जाएंगे, एक ही शिव बाबा में समा जाएंगे। अभी तो क्या है, अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग अलाप रहे। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सोई विष्णु बनते, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा कितने हैं? तो जो भी ब्रह्मा है, जिनके नाम भी ब्रह्मा है, वो सब क्या बनने हैं? मिलके विष्णु बन जाते हैं। विष्णु का रूप बनना, कोई दाई भुजा बनेगा, कोई बाई भुजा बनेगा, कोई ऊपर की भुजा बनेगा, कोई नीचे की भुजा बनेगा, कोई उन भुजाओं को चलाने वाला धड़ बन जाएगा, चलाने वाला बनेगा। ज्ञान से तुम समझते हो, चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, क्या कब था विष्णु, कब ब्रह्मा निकला? यज्ञ के आदि में कोई युगल था जिन दोनों की संस्कार मिले हुए थे, स्वभाव संस्कार एक थे, एक ने कही और दूसरे ने मानी। वो विष्णु रूप था और जो भी थे सुनने वाले सब ने ये बात मानी।
तो कौन कौन थे? प्रजापिता भी था, गीता माता भी थी, और आधे बच्चे भी थी, क्योंकि शिव अकेला तो आता नहीं, वो तो तीन मूर्तियों के साथ है। फिर उनकी बात और किसने किसने मानी? श्री कृष्ण, राधा और कृष्ण जो बनने वाले हैं सतयुग में, उन्होंने भी उनकी बात मानी। तो सब के संस्कार मिलकर के एक हो गए, तो विष्णु था ना, वो ही विष्णु की नाभि से फिर ब्रह्मा निकला। कब निकला? आदि में, आदि में ही निकला ब्रह्मा। दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में कब से प्रत्यक्ष हुए? सन 47 जब से शिव ने प्रवेश किया उनमें, तब से वो ब्रह्मा कहे गए। मैं प्रवेश करता हूँ तो जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। सन 47 से पहले तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम नहीं पढ़ा था, आई नहीं। कहाँ से पढ़ना शुरू हुआ? 47-48 क्रांति से। सन 47 से ब्रह्मा नाम पढ़ा, और सन 51-52 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पढ़ा। उससे पहले तो कोई ब्रह्मा को भी नहीं जानता था, और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय को भी नहीं जानता। तो ज्ञान सागर न ब्रह्मा को कहेंगे न विष्णु को कहेंगे। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, ज्ञान से चित्र भी गरुड़ बनाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, लेकिन इनका अर्थ कोई नहीं समझ सकते जब तक बाप आकर न बना बता दे। ब्रह्मा को सासों में हाथों में सास दिखाए, क्या कोई ऐसा चित्र है कोई देवता का जिसके हाथों में सास दिखाई हो? ब्रह्मा को शास्त्रों में हाथों में सास दिखाई है। अब शास्त्रों का सार तो बाप सुनाते हैं, ब्रह्मा थोड़ी सुनाते हैं। क्या जो भी शास्त्र बने उन शास्त्रों का सार किसने सुनाया? उन सार सुनाया नहीं, राम बाप दोबारा सुनाया। जो सार रूप होगा वो सार सुनाएगा, जो विस्तार रूप होगा वो क्या करेगा? विस्तार करेगा। तो शास्त्रों का सार बाप आकर सुनाते हैं या ब्रह्मा सुनाते हैं? बाप सुनाते हैं। ब्रह्मा तो बड़ी माँ है, बाप के द्वारा। माँ जो है वो विस्तार है या बाप विस्तार है? नहीं, माँ विस्तार। सार कौन है और विस्तार कौन है? माँ है विस्तार। सार माँ है और विस्तार बाप है। धरणी किसे कहा जाता है? माताओं। दुनिया में जब सत्यु की शुरुआत होती है तो धरणी छोटी होती है या बड़ी होती है? छोटी होती है। छोटी होती है, फिर बाद में विस्तार को पाती जाती है। कलयुग के अंत में धरणी बहुत विस्तार को पा जाते। जितने जितने बाल बच्चे बढ़ते जाएंगे माता उतनी हेल्थी फूटती जाएगी। तो ये विस्तार और ये सार, वो है बाप और वो है माँ। तो पूछा हम शास्त्रों का सार बाप सुनाते हैं या ब्रह्मा सुनाते हैं? कौन सुनाता है? बाप सुनाते। ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वो कोई भी यथार्थ चित्र नहीं है, वो है सब भक्ति मार्ग के चित्र। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले थोड़ी होते हैं, ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। समझाने के लिए रावण का भी अर्थ दिखाया है। आधा कल्प है रावण राज्य, उसको कहते हैं रात। आधा कल्प अज्ञान अंधकार फैलता है, आधा कल्प है रामराज्य दिन। रावण आता है तो रात फैलाता है, राम आता है तो दिन होता है। कब से दिन होता है? जब से राम वाली आत्मा संसार में राम के रूप में, राम बाप के रूप में प्रत्यक्ष होती है तो रामराज्य शुरू होता है। और जब से रावण वाली आत्मा संसार में प्रत्यक्ष होती है 10 सिरों वाली, तब से दुनिया में अज्ञान की रात होती है। बाप हर एक बात समझाते। इसमें भी नंबर वन बात है
उनके बाप को जो सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फिर फादरहुड कैसे हो सकता है? फादर फादर को कभी वर्षा देते हैं क्या? फिर तो सारे ही फादर हो गए। जब एक एक में बाप व्यापक है तो सारे क्या हो गए? बाप हो गए। अब बाप को बाप से वर्षा मिलेगा क्या? तुम सभी एक बाप के बच्चे हो ना? बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते क्या? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, नहीं प्रजापिता तो पुरुष है, वो तो दुर्योधन दुशासन का रूप हो गया। जितने पुरुष हैं उनमें से किसी को छोड़ दिया, सब दुर्योधन दुशासन। भले कोई परसेंटेज में 1% होगा, कोई 100% होगा, कोई 50% होगा, कुछ न कुछ दुर्योधन दुशासन की वृत्ति हर पुरुष में रहती जरूर है। कन्या माताओं के लिए तो नहीं कहा, सब कन्याएं सुपनखाएं पूतनाएं। कन्या माताओं के लिए कहा, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब भक्तियां हो, कोई कोई क्या, कोई कोई सुपनखा पूतना हो। तो कन्या माताओं के लिए तो ऐसे नहीं कहा, लेकिन पुरुषों के लिए 1 to all, A to Z सबको बता दिया क्या? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। बल पुरुष तन में शिव बाप आते हैं, चाहे कृष्ण के अंतिम चोले में आए, चाहे राम के अंतिम चोले में आए, फिर भी उनको टाइटल क्या दिया? दुर्योधन दुशासन। माने उनके द्वारा स्वर्ग के गेट नहीं खुलवा सकते। जो पवित्रता का पुरुषार्थ करने वाली विशेष रूप है कन्या माता है, उनके द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाते हैं। तो नाम दिया ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। कौन कौन करते हैं? शिव बाप। क्या बिंदी बाप या साकार बाप? बिंदी बाप करते हो तो बिंदी बाप होंगे तो डायरेक्शन कैसे देंगे, मत कैसे देंगे, श्रीमत कैसे मिलेगी? क्या कोई ब्रह्मा, जैसे एक अव्यक्तवाणी में बोला, ब्रह्मा बड़ी तेजी से माला बनाने लगे और शिव बाप मुस्कराने लगे, कई साल पहले की वाणी है, क्यों मुस्कराने लगे है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा समझते थे, बाबा ने बोला है ना कि ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना होगी, तो फटाफट माला बनाने लगी। लेकिन माला भी बाप की श्रीमत से बनेगी या किसी मनुष्य की मत से, मनमत से बनेगी? बाप की श्रीमत से ही माला बन सकेगी, बाप की श्रीमत से ही राजधानी स्थापन होगी। कोई चाहे कि हम अपनी मनमत से राजधानी स्थापन कर ले तो राजधानी स्थापन होने वाली नहीं है। तो बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा अगर बाप को भूल जाए तो राजधानी धरी की धरी रह जाएगी, कोई भी राजधानी स्थापन हो नहीं सकती। राजधानी भी स्थापन करते हैं ब्रह्मा द्वारा और तुमको राजयोग सिखाते। दो बातें बताई, क्या क्या? ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना या राजधानी की स्थापना, और तुमको राजयोग सिखाते क्या? तुमको राजयोग भी सिखाते हैं और ब्रह्मा के द्वारा राजधानी की स्थापना करते हैं। अच्छा, तो जिसके द्वारा राजधानी की स्थापना करते हैं, विष्णु की विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं, तो उसको राज्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं, ब्रह्मा द्वारा राजधानी की स्थापना करते हैं, तो ब्रह्मा को राज्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। फिर ब्रह्मा राज्य करता है? नहीं, संगम बन सकता है, सतयुग में करता है। अरे जिसके द्वारा स्थापना हुई विष्णुपुरी की या राजधानी की स्थापना हुई, तो उसको राज्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। फिर
तो विश्वपुरी का राजा बनता है ब्रह्मा? नहीं, अब नहीं, विश्वपुरी का नहीं बनता है? नहीं। अच्छा, जिसके द्वारा स्थापना होती है उसकी बात? हाँ, वो बनता है, बनता है ना संगम में। अभी नहीं हुई भले, लेकिन जब भी हो, जब भी ब्रह्मा द्वारा विश्वपुरी की स्थापना हो, राजधानी की स्थापना हो, तो राजधानी स्थापना होने के बाद ब्रह्मा राज्य करेगा? ब्रह्मा राज्य नहीं करेगा, संगम युग का ब्रह्मा राजा करेगा। संगम युग राज्य कौन करेगा फिर? ये तो बात खराब हो गई, ठीक नहीं बात है। राजधानी स्थापन कोई करे, करे कोई और भरे कोई, ये क्या बात हुई? संगम युग पे करेगा, संगम युग वाला ब्रह्मा। मेहनत करे मुर्गा और फकीर खाए अंडा, ये बात कोई काम की नहीं है। ऐसा हो तो उल्टा ही रहा है इस समय, ये उल्टा हो रहा है ना। क्या ब्रह्मा द्वारा राजधानी स्थापन करवाते हैं है? और राज्य करता है लक्ष्मी नारायण, ये तो बात ठीक नहीं है। तो जिसके द्वारा राजधानी की स्थापना होगी, जिसके द्वारा विश्वपुरी की स्थापना होगी, राजधानी स्थापन होगी, वो राज्य गद्दी पे बैठेगा या नहीं बैठेगा? मिलेगा वो अगले जन्म में, ये क्या बात है? भाइयों को इस जन्म में मेहनत करे तो इसी जन्म में प्राप्ति होनी चाहिए। राज्यों की प्राप्ति इसी जन्म में होगी या अगले जन्म में होगी? इसलिए यहाँ बोला, क्या बोला? बाप ब्रह्मा द्वारा विश्वपुरी की स्थापना करते हैं, क्या उनको राजयोग नहीं सिखाते हैं जो राजा बने? क्या विश्व के मालिक बने? ऐसा नहीं। फिर बोला है आगे, और तुमको राजयोग सिखाते हैं। दो बातें होने के द्वारा क्या करते हैं? स्थापना की स्थापना करते हैं, और तुमको राजयोग सिखाते हैं। तो जिसको राजयोग सिखाते हैं वो राजा बनेगा, या जिसके द्वारा सिर्फ उद्घाटन करवाते हैं वो राजा बनेगा? वही राजा बनेगा। तो बोला जरूर संगम पर ही राजयोग सिखावेंगे, सिखावेंगे। क्यों कह दिया? संसद की वाणी में आने वाले पार्ट है, आने वाला मतलब है कि आने वाला जो पार्ट है उसकी तरफ इशारा दिया कि उनको राजयोग सिखावेंगे। द्वापर में गीता सुनाई गई, ये बात तो रंग हो जाती। क्या द्वापर युग में गीता नहीं सुनाई गई? गीता कब सुनाई गई? संगम युग में तो सुनाई गई, लेकिन भक्तों ने कृष्ण को और गीता को द्वापर में क्यों ले गए? क्योंकि जब द्वापर की शूटिंग चले, जब कृष्ण की शो बोला, जब बाबा जीवित थे तो मुरली में बोला अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे। अमृत तब का बनता है जब उसको मंथन किया जाता है। तो अभी तो सिर्फ सुनाए रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं और सुनाने वाला सुनाए रहा है, किसके मुख से? ब्रह्मा। लेकिन मंथन करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं था। उस गीता ज्ञान को फिर बाद में मंथन किया जाता है। कौन सी मूर्ति के द्वारा? दूसरी मूर्ति के द्वारा मंथन किया जाता है। मंथन करने से अमृत निकलता है, तो जो अमृत निकलता है उस अमृत करने का जो निकलने की बात है वो किससे किस टाइम तक की है? संक्षेप्त से लेकर के अब तक जो भी दूसरी मूर्ति का पार्ट है वो सब सार निकालने का पार्ट है। जो भी 18 साल मुर्तियां चलाई है उन मुर्तियों का सार निकल करके बाहर आ गया। तो वो कहते हैं द्वापर में गीता सुनाई गई, ये बात तो रंग माना। जब दूसरी मूर्ति के द्वारा कार्य हो रहा था और द्वापर युग की शूटिंग चल रही थी, उस समय जोर शोर से वो मंथन का कार्य हुआ, गीता ज्ञानामृत निकल करके बाहर आया। बाप सच बात बताते हैं,
द्वापर युग में कृष्ण नहीं आया, लेकिन द्वापर युग की शूटिंग में कृष्ण प्रत्यक्ष होते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का कृष्ण का साक्षात्कार भी होता है, ब्रह्मा का सफेद कोष दिखाते हैं, शिव बाबा तो बिंदी है, बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई कुछ समझ भी नहीं सकेगा। तुम कहते हो हम तो आत्मा है, अब आत्मा को किसने देखा है? किसी ने देखा है क्या? कोई ने नहीं देखा ना, आत्मा तो बिंदी है और बिंदी भी इतनी सूक्ष्म है कि कोई इन आंखों से देख नहीं सकता, समझ सकते। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं तो उनका उनको साक्षात्कार हो जाता है। क्या हनुमान की पूजा करते हैं भगवान समझ के करते हैं तो हनुमान का साक्षात्कार हो जाता है। अब ऐसे थोड़े की पूछड़ी वाला कोई भगवान होगा। गणेश की पूजा करते हैं भगवान समझ के करते हैं तो गणेश का साक्षात्कार हो जाता है, तो क्या सुन वाला भगवान होगा? क्या भगवान कोई जानवर होता है? क्या भगवान जानवरों को सुधारने के लिए आता है? क्या नहीं, भगवान तो मनुष्यों को सुधारने के लिए आता है, मनुष्य तन में प्रवेश करता है, नरक को नारायण बनाने के लिए आता है। तो बाप कहते हैं जिसकी पूजा करते हैं भावना से उसी रूप का साक्षात्कार कराए देता हूँ, अगर दूसरा रूप देखें तो वो मुझ जावे, उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं, दुखी हो जावे। हनुमान की पूजा करेंगे तो उनको वो दिखाई देगा, गणेश के पुजारियों को गणेश दिखाई देगा। अब ऐसे ही सुन वाला तो कोई होता नहीं, ये सब बना बनाया है, जो बैठकर बनाया है, कितना लाखों खर्चा करते हैं, बेस्ट ऑफ टाइम मनी एनर्जी। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तो कितना समय वेस्ट करते हैं, हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरातों के महल बनाए, फिर वो इतना अनगणित धन कहाँ चला गया? अभी तो तुम कंगाल बन गए। कौन कंगाल बन गया? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा की बात ही नहीं। बाप तो गरीब निवाज है, ये साहूकार निवाज है। गरीब निवाज ऐसे थोड़े ही के लखपति करोड़पति ब्रह्मा के तन में आकर के उनको भगवान का रूप दे देते नहीं, गरीब नहीं, वो गरीब के तन में आते हैं और गरीब बन करके आते हैं और संसार की सेवा करते हैं और उनको आकर के गरीब को क्या बनाते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। अभी देखो तुम दरवाजे दरवाजे पर भीख मांग रहे हो, सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाई दिया? कांटों की सैया पर लेटा हुआ है, कांटों की सैया पर लेटा हुआ है और विदेशी लोग उसको भीख दे रहे हैं। तो पेंट टॉप वाले दिखाई गए ना, तो कोई इस्लामी हो क्रिश्चियन होंगे वो उसको उन्होंने 76-77 में भीख में कुछ रोटी पानी दिया होगा, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना, तुमको और कोई नहीं कह सकता है, लेकिन बाप तो तुमको ये बात कह सकते हैं ना कि तुम कितने कंगाल बन गए हो और तुमको विदेशियों से भीख लेनी पड़ती है। अब तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया हुआ क्या, और दूसरे धर्म के जो बंदर हैं उनकी बुद्धि में नहीं बैठता, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि बाप आया हुआ है, हम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप आया हुआ है और आकर के ये 5 ईयर प्लान तुमको दिया हुआ है। कौन सा 5 ईयर प्लान? 77-78 से लेकर के 82 तक का ये 5 वर्ष का 5 ईयर प्लान, ये ईश्वरीय प्लान था जो सीढ़ी के चित्र में दिखाया हुआ है, बैगर पड़ा हुआ है। उस सीढ़ी के चित्र ऐसे भी है जिनमें गीता नहीं लिखा है, उनमें लिखा है 5 ईयर प्लान। क्या
सीधी में नीचे लिखा हुआ है पुराने चित्र में 40 वर्ष का संगम युग। ये 40 वर्ष का संगम युग का पूरा होता है सन 76 में पूरा होता है। तो सन 76 में जब ये 40 वर्ष का संगम पूरा हुआ तो वो भारत जो है पूरा बैगर बन जाता है। ब्रह्मा की आत्मा फिर भी खड़ी हुई दिखाई गई और राम वाली आत्मा पड़ी दिखाई है, एकदम कंगाल के रूप में पड़ी हुई दिखाई गई। वो भी किस रूप में? बैगर के रूप में तो है लेकिन कांटों की संख्या पर है। कांटे कौन से? चेड़ा या चैतन्य? चैतन्य कांटे हैं। मिले न फूल, फूल है वो तो सब रतन चले गए इस्लामियों के पास। क्या जो अच्छे अच्छे फूल थे, अच्छे अच्छे रतन थे, अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात थे, वो तो विदेशी लोग लूट के चले गए, वो उनकी कांख में पहुंच गए। तो उनको तो अच्छे अच्छे मिले नहीं, तो क्या किया? मिले न फूल तो कांटों से बंदरों से दोस्ती कर ली। अब बंदर आपस में क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे। झूठी बात तो नहीं है, झूठी बात बिल्कुल नहीं। अच्छा तो बोला ये बात तो बाप ही तुमसे कह सकते हैं क्या? और कोई नहीं कह सकता, और कोई नहीं कह सकता। बाप आए हैं, तुम बच्चे समझते हो, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। क्या कि सुबह का अमीर सत्यगुरु की सवेरे का अमीर और कलिगुरु की शाम का फकीर। सुबह को जो अमीर होता है शाम को फकीर बनता है। हर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही होता है। क्या सुबह का अमीर विश्व का बादशाह और शाम का फकीर हो जाता है। बनाया ड्रामा है, अनादि ड्रामा है। हरेक ड्रामा में अपना अपना पार्ट बजाते हैं। कोई एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर जाकर के लेते हैं। इसमें रोने की तो बात ही नहीं, सत्युग में कभी रोते नहीं है। क्या कहा है? सत्युग में रोते नहीं, रोते कहाँ है? जहाँ अकाली मृत्यु होती है वो तो स्थूल अकाली मृत्यु होती है, और यहाँ ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में अभी अभी बड़े अच्छे ज्ञान में चल रहे हैं, और अभी अभी देखा तो अनिश्चय बुद्धि हो गए। तो मर गए या जिंदा है? मर गए या जिंदा? जिंदा है कि मरे हुए हैं? मरे हुए हैं। बाप बच्चे पैदा करता है तो बाप कहा जाता है। फरुखाबाद के मालिक को बहुत मानते हैं, मालिक को मालिक ही कहेंगे, बाप को बाप ही कहेंगे, बच्चे जो बच्चे ही कहेंगे। बच्चे जब बड़े होते हैं तो मालिक बनते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। तो यहाँ भी बेहद की बात है। क्या जो बाप का पाठधारी है, प्रजापिता है, वो भी आखिरी जन्म में आके कंगाल बनता है। कंगाल बनता है तो बाप प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं, 5 ईयर प्लान देते हैं। 5 ईयर प्लान में वो बैगर टू क्या बन जाता है? प्रिंस बन जाता है। 77-78 से लेकर 82 तक वो प्लान पूरा होता है, और उसको कहीं भी फिर जाकर के दरवाजे भीख मांगने की दरकार नहीं रहती। फिर लोग खुद ही अपने आप उसके दरवाजे पर आते। तो प्रिंस हुआ या बैगर हुआ? प्रिंस हो गया। प्रिंस को कोई मांगने की दरकार पड़ती है क्या? नहीं। तो वो रूप जो हुआ वो ही त्रेता युग की सूची। कौन सी? 81 से लेकर के 87-88 तक वो त्रेता युग की सूची हुई। और उसमें जो भी आए दक्षिण भारत के आए, सब विदेशी आए, स्वदेशी आए, कौन आए? चलो वहां भी आए, जो भी सहयोगी बने वो कौन बने? विदेशी बने। माने विदेशियों ने बाप को टच किया। उसके बाद 89-90 का जो पीरियड है उसमें द्वापर युग की शूटिंग की शुरुआत हुई। उस द्वापर युग की शूटिंग में दादा लेखराज जो ब्रह्मा बनता है उसके 100 साल पूरे हो जाते। सन 47 में 60 साल पूरे होते और 87-88 में 100 साल पूरे। तो ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। कब खलास होता है?
सौ साल का होगा तो ब्रह्मा खलास होगा, तो मृत्युलोक में खलास होगा या अमर लोक में खलास होगा? मृत्युलोक में खलास हो जाता है। तो वो सात्विक स्टेज थी ब्रह्मा की, कब? 87। वो सात्विक ऐसी स्टेज थी नष्ट हुआ स्मृति लोक। एक साल पूरा माउंट आबू में नहीं गए, कौन? ब्रह्मा बाबा। हर एक आत्मा जब ज्ञान में आती है शुरू शुरुआत में सतो प्रधान, फिर बाद में सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। ब्रह्मा की सोल भी ऐसे ही होता है। एक साल तो बिल्कुल नहीं गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे जाना फिर शुरू कर दिया, और अभी तक भी जा ही रहे हैं। अभी उनका मोह नष्ट नहीं हुआ। तो ब्रह्मा की सोल अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है या पढ़ाने वाली है? अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा ले क्या? शंकर का पार्ट पूरा होता है तो क्या होगा फिर? नहीं नहीं नहीं, शंकर का पार्ट जब पूरा होता है, दूसरी मूर्ति का पार्ट पूरा होता है, तो ब्रह्मा की मूर्ति, ब्रह्मा की आत्मा किसका आधार लेती है विशेष रूप से? जगदम्बा का क्या? आखिर ब्रह्मा को राजधानी स्थापन करनी है, ब्रह्मा द्वारा होनी है, तो प्लान कुछ तो बनाया जाएगा। क्या प्लान बनेगा? प्लान तो बनेगा, जो राजधानी तैयार होगी उसमें ढेर के ढेर होंगे या थोड़े होंगे? तो ऐसा प्लान तैयार होता है क्या? जगदम्बा को महाकाली का रूप धारण करना पड़े, जो कीड़े मकोड़े हैं वो सब उसकी सफाई करते होना जरूरी। झाड़ू लगे और झाड़ू लगने के बाद फिर लक्ष्मी प्रवेश करे। तो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती, इसमें रोने की बात नहीं है क्या? अरे क्यों अनिश्चय हो गया, क्यों मर गया? आज निश्चय है, कल अनिश्चय हो गया, तो इसमें रोने की कोई बात नहीं। आज तक फॉलो करता था, अब फॉलो नहीं करता है। आज बाप को मानता था, कल बाप को नहीं मानता है, तो इसमें रोने की बात नहीं है। ड्रामा बना हुआ है। जितना अभी तुम मोहजीत बन रहे हो, मोहजीत राजाएं ये लक्ष्मी नारायण होते हैं और कोई नहीं होते हैं। तो सबसे ज्यादा मोहजीत कौन हुआ? लक्ष्मी भी नहीं, नारायण। कौन से राजा की कथा गाई हुई है मोहजीत की? नहीं, राजा हरिश्चंद्र की। कहते सत्युग में राज्य करता था राजा हरिश्चंद्र, और सत्युग की बात नहीं है, यहाँ की बात है। मोहजीत राजा है, ये लक्ष्मी नारायण आदि है, वहाँ तो मोह होता ही नहीं। कहाँ? सत्युग में तो मोह की बात नहीं, बात कहाँ की है? संगमयुग की बात है। आप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते, साधु लोग इन बातों को नहीं समझा सकते क्या? चाहे कोई साधु ज्ञान में भले आ जाए, सारी मुरलियां पढ़ ले, लेकिन वो इन बातों को समझा नहीं सकेगा। वो तो कहते हैं भगवान निराकार नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी कोई चीज दुनिया में होती है क्या? हे भगवान, हो गॉड फादर, ये तो कहते हैं ना, तो नाम रूप हुआ है तभी तो पुकारते हैं। लिंग को शिव बाबा कहते हैं, क्यों? लिंग को शिव बाबा क्यों कहते हैं? है? अब कान को कह दे, नाक को कह दे, लिंग को शिव बाबा क्यों कहते हैं? लिंग माना निशान। कौन सा निशान? जिसमें शिव प्रवेश करता है, प्रवेश करता है और ऐसा स्टेज बनाता है कि आंखों से देखते हुए भी इस दुनिया को देखता नहीं, कानों से सुनते हुए भी अनेक प्रकार की ग्लानि की बातें सुनते हुए भी उन बातों को
सुनता नहीं, नहीं तो क्या होता है, आदमी के सामने थोड़ी सी उसकी बुराई कर दो, भड़क पड़ेगा, लड़ाई लड़ने लग पड़ेगा। लेकिन बाप का पार्ट ऐसा है, कैसा, सुनते हुए न सुनना, देखते हुए न देखना, और बोलता भी है तो कभी कभी ऐसे बोलता है बोलते हुए जैसे नहीं बोला, ये कैसे होगा। अरे जो बोल दिया वो तो बोल दिया ना, बोलते हुए नहीं बोला, ये कैसे। हाँ भाव की बात, भाव प्रधान विश्व रचि राता, कोई बात बोली जाती है ना, जिस भाव से बोली जाती है तो उसका असर होता है। अगर बोले हुए में भाव मिक्स नहीं है, भाव कुछ दूसरा है, तो उसका बोलने का जो रिजल्ट होगा वो भी दूसरा होगा। बाप है, माँ है, बच्चे को गाली देने लग पड़ती है, तो उसका भाव वो उस बच्चे को गाली दे करके सत्यानाश कर, अब तेरा सत्यानाश हो जाए, तो उसका भाव ये है कि उसका सत्यानाश हो जाए, उसको सुधारने के लिए गाली देती है। तो अंदर से भाव दूसरा है, भले मुख से कुवचन बोले, तो कुवचन जो बोले हैं वो कुवचन भाव न होने की वजह से कुवचन नहीं होता। ऐसे ही बाप भी युक्ति बना, बच्चों को सुधार दे। बाप का तो नाम ही शिव है, क्या क्या नाम है, शिव। जो बोलेगा सो कल्याण, जो देखेगा कल्याण, जो करेगा कल्याण। तो जिस तन में वो शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं, वो देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, जैसे कि इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियां न होने के बराबर। अगर मनुष्य के शरीर में से इंद्रियां हटा दी जाए, क्या नाक आंख कान अलग कर दिए जाए, हाथ अलग कर दिए जाए, टांग अलग कर दी जाए, क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी कैसे नहीं रह जाएगा, लिंग रह जाएगा ना, धड़ रह जाएगा ना, लिंग रह जाएगा ना, तो वो लिंग की पूजा होती है। किस लिंग की, जिसको जैसे हाथ पांव नाक आंख कान है, तो लिंग को शिव बाबा भी कहते हैं। अरे बाबा तो है ना, कौन कौन है बाबा, लिंग जो साकार है वो क्या है, वो सारा ही शरीर जैसे लिंग है। हाथ पांव नाक आंख कान होते हुए भी इंद्रियां जैसे होते हुए भी इंद्रियां जो उनका रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। नहीं तो ढेर सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे ना, लेकिन नहीं होते, नहीं होते। इसका मतलब शास्त्रों में शंकर को क्या दिखा दिया गया, अमोघ बीज दिखाया। अमोघ बीज दिखाने का मतलब इंद्रियां होते हुए भी जैसे न होने के बराबर, जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता। तो जैसे कि इंद्रियां है नहीं है बराबर, तो सारा शरीर क्या हो गया, लिंग। तो लिंग को शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना, बरोबर है ना, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे, लेकिन वो बच्चे जैसे दुनिया में लिंग की औलाद होते हैं वैसे होंगे, या ज्ञान के बच्चे होंगे, ज्ञान के बच्चे होंगे। निराकार आत्मा ही बाबा कहती है, निराकार को बाबा कहती है। मंदिर में जावेंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, क्या नहीं, मंदिर में जावेंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, और मंदिर में नहीं जावेंगे तो शिव निराकार है। फिर घर में आकर के बाप को भी कहते हैं बाबा, ग्रैंडफादर को क्या कहते हैं, उसको भी कहते हैं बाबा, अर्थ तो समझते नहीं। हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं, हम उनको, इनको नहीं, किनको, आने वाला जो पार्ट है, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं। शिव तो ब्रह्मा में भी प्रवेश है,
उनको क्यों कहते हैं, इनको क्यों नहीं कहते? इनके लिए तो बता दिया ये बूढ़े हैं इसलिए इनको बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा। फिर उनको क्यों कहते हैं? शिव समान तो वही है। शिव के पुजारी बहुत हैं, परंतु बेसमझ हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर उनका राज्य क्या हुआ? 84 जन्म लेते लेते देखो अब कैसे बेसमझ बन पड़े। क्या इतने बेसमझ बन पड़े हैं? कितने बेसमझ? जो बैगरी पार्ट में जाना पड़ता है, भक्ति मार्ग में पैसे खर्च करते हैं, मंदिर बनाने के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं, द्वापर युग शुरू हुआ, राजा विक्रमादित्य ने कितना पैसा खर्च किया मंदिर बनाने में। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी। अभी तुमको शास्त्र आदि कुछ भी बनाने की दरकार नहीं, मंदिर आदि कुछ भी बनाने की दरकार नहीं है। बाप अक्षर ही दो बताते हैं, क्या दो अक्षर बताते हैं? अलफ और बे। अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी हो जाए, और बे को याद करें, बादशाही को याद करें तो बच्चू बादशाह को याद करें तो आलफ हमारा नहीं होगा। आलफ को याद करेंगे तो बे बादशाही मिलेगी, ऐसे नहीं बे बच्चू को याद करें, बच्चू बादशाह बनता है सतयुग में, उसको याद करेंगे तो बादशाही मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं। ये बड़ी भारी इंसान है, या अलग कौन है और बे कौन है, इसी बात में सारा रोला है। निश्चय अनिश्चय किस बात में आता है? ये अलग और बे में अनिश्चय अनिश्चय आ जाता है। ये अलग का पार्ट कौन है, कौन पार्टधारी है? जो अलग का पार्टधारी यज्ञ के आदि में कौन अलग था और कौन बे था? राम कुमारियां तो पढ़ाती नहीं पढ़ाई, अलग को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को दे दी, तो क्या अर्थ बताती है वो इसका? एक बात बताओ, एक बात बताओ कि एक सेकंड में नरसिंह नारायण बन जाते हैं और ये 70 साल अनिश्चित में निकल गए, किसी को भी निश्चय नहीं हुआ कि नरसिंह नारायण बन जाए? अभी तक किसी को निश्चय नहीं हुआ कोई नरसिंह नारायण बना बना है या नहीं बना है, अभी तक किसी को निश्चय नहीं हुआ। नरसिंह नारायण कोई बनेगा या नहीं बनेगा इस बात का किसी को निश्चय नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं आप अपनी बात कर रहे हो हैं? इतनी पढ़ाई पढ़ाई गई तो उसमें 2-4-8 निकलने तो चाहिए कि नहीं निकलने चाहिए? नहीं निकले हैं? कुछ दिखता तो है नहीं, कुछ दिखता नहीं, 2-4-8 में से एक भी नहीं दिखाई पड़ता। बात तो जिससे हो रही है उनको पढ़ने में, 2-4-8 में से पढ़ाई पढ़ने वाले एक भी नहीं दिखाई पड़ते। नारायण बन जाएंगे तो दाता के बच्चे दाता होने चाहिए। हाँ लेता है, प्राप्ति होनी चाहिए ना उनसे। हाँ, तो वो लेता है, तो लेता है, तो लेता है। मैंने नारायण वाली आत्मा अभी ले रही है ना तुम्हारे पास, तुम्हारे घर आ रही है, तुम्हारे दरवाजे पा रही है, तो पैसे मांगने आ रही होगी, तुम ऐसा समझते हो। लेकिन बाबा तो मुरली में कहते हैं ऐसा कब नहीं समझना है कि हम बाप को देते हैं, अगर ये समझा तो दिया हुआ सब खलास हो। क्या बाप को देते नहीं हो तुम? बाप से लेने के लिए देते हो, बैंक में जमा करते हो बाप की, ये हमारा 21 जन्म के लिए खाता जमा हो जाए। ये पिताजी ये लेने देने की स्थूल धन की बात नहीं कर रहा मैं। नहीं, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कुछ भी हो, मेरा जो भाव है हाँ, वो गुणों की है। क्या गुणों का है? क्या गुणों का? कि जब उनको निश्चय है, इनको जिन बहनों को, जिन माताओं को या जिन आत्माओं को निश्चय है हाँ, क्या तो उनके अंदर द्वेष क्यों है? इनके अंदर द्वेष जिन आत्माओं को निश्चय हो गया हाँ, परमात्मा के प्रति हाँ, फिर वहाँ शंकर और जहाँ शंकर देवता और ब्रह्मा देवता दोनों को नमन है
हाँ। शंकर महादेव देवों का देव है हाँ। फिर वहाँ हाँ। ये क्यों बॉर्डर लाइन क्यों है, वो क्यों नहीं सहयोगी एक दूसरे की? आप तो किसको देखते हैं? ये बेसिक वालों की बात जो एडवांस वालों की बात करो ना एडवांस में भी तो वही है जो बेसिक में है। बेसिक में तो जड़े हैं और एडवांस में बीज हैं, तो बीज में जो कमी नहीं होगी तो बेसिक जड़ों में कहाँ से कमी आ जाएगी? सारी कमी कहाँ मौजूद है? सारी कमी तो यहाँ मौजूद है एडवांस पार्टी में। तो ये बड़ी भारी इंसान है क्या? अलग कौन?